वो दिया। देखिए, विधान चंद्र राय का नाम हमने इसलिए लिया, जो जो बंगाल का जो रियल विकास जो है वो उनके टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ। और प्रधानमंत्री ने इस बार ये भी कहा कि जो ये नंदीग्राम का जो क्षेत्र है वो हल्दिया का क्षेत्र है। हल्दिया इज़ द ओनली 25 किलोमीटर्स। मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो गंगा है वहाँ से चुकी, गंगा से यहाँ तक का सफ़र, और हम लोग इस वक्त गंगा के किनारे हैं, दरभंगा हाउस में हैं, आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं और आप का परिवार जो है वो पटना में 100 सालों से रह रहा है, हैं 100 सालों से बिहार में, और आपके फादर जो है वो बिहार बंगाल उड़ीसा में टॉप भी किया था उन्होंने, बताइए थोड़ा उनके बारे में। नहीं, वो तो टॉपर थे, हाँ वो बिहार उड़ीसा में वो टॉपर थे 1946-44 में, रांची से वो टॉप किए थे। अच्छा, तो ये तो है। और लेकिन हम लोग बंगाल से हम लोग जुड़े हुए हैं, और बंगाल की जो अभी स्थिति है उसमें अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो ठीक रहेगा। वो हमेशा डेमोक्रेसी में एक चीज़ होता है कि कभी भी एक ही दल को 15 साल 20 साल तक काम नहीं करना चाहिए, उसमें भी खामियां रहती हैं, और उस खामियां को देखते हुए अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो अपना एक विज़न देगा। जैसे कांग्रेस पहला 30 साल में एक विज़न दिया जो विधान चंद्र राय का था, उसके बाद CPM कम्युनिस्ट लोगों ने एक विज़न दिया, उसको नकार दिया। डेमोक्रेसी, इट इज़ अ डांस ऑफ डेमोक्रेसी, इसको हम लोग बोलते हैं। डेमोक्रेसी का यही ब्यूटी है कि एक एक जो खाली होता है, एक जो एक होप्स एंड एस्पिरेशंस रहता है पीपल का, वो 10 साल 15 साल में बदल जाता है, और वो बदल जाने के बाद वो एक नया सरकार फिर आती है। यही तो है डेमोक्रेसी। नहीं, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वहाँ बाहरी व्यक्तियों का बहुत चर्चा चल रही है, तो जो बंगाली है, बंगाली आदमी जो है, भद्र बंगाली, जो बंगाली कल्चर है या बंगाली आदमी जो है, वो लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे या किसी जंगल में रहे, वो अपना बंगला कल्चर नहीं छोड़ता है, वो अपने आप को बंगाली उतना ही गर्व से कहता है। और बंगालीज जो हैं वो पटना में भी हैं, बनारस में भी हैं, इलाहाबाद में भी हैं, भोपाल में भी, और भागलपुर में भी हैं, और कई बड़े बड़े लोग जो बंगालीज लोग जो हैं, जो जिनके बारे में चर्चा होती है, यहाँ तक कि बंगाल के जो साहित्य की बात होती है तो उसमें पटना का बहुत बड़ा योगदान है, हैं बंगाली साहित्य। हम बिहार बांग्ला अकेडमी के हम डायरेक्टर रह चुके हैं, हम 10-15 साल रह चुके हैं। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े लोग थे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे, बनोफुल थे, विभूतिभूषण मुखोपाध्याय थे, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय थे, ये सारे के सारे बहुत ही बड़े बड़े बंगालीज हैं जो बिहार में इन्होंने राइटिंग किया, और ये लोग काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया है बंगाली लिटरेचर। ये जो बाहरी और भीतरी की जो बात हो रही है, इट इज़ ए टेम्पोररी थिंग है, ये पॉलिटिकल गिमिक है, नथिंग एल्स। जैसे राज ठाकरे कभी कभी बोलता है कि वो बाहरी और भीतरी, उत्तरी भारत का, नॉर्थ इंडिया का, ऐसे बोलता है, वो उसमें वोट ट्रांसलेट नहीं होता है, वो एक डिवीज़न क्रिएट होता है, उससे कोई ये नहीं होता। बनारस का कितना संबंध है, बंगालीज जो हैं बनारस में कितने हैं? बनारस तो ज़्यादा दूर नहीं है पटना से। बनारस से बंगालीज लोगों का ये संबंध है कि आपको ये मैं ऐतिहासिक बात बोलता हूँ कि जो विधवा लोग जो बंगाल में बहुत लोग मर जाते थे बहुत यंग एज में, और वो जो विधवा हो जाती थी जिसके लिए सती प्रथा हुआ करता था, ये सब के खिलाफ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, ये सब खड़े हुए थे। तो इसके पीछे एक इकोनॉमिक कंडीशन था, तो इसलिए क्या होता था कि वो जो विधवा जो लड़की रहती थी उसको सबको बनारस भेज दिया जाता था। तो वहाँ पर विधवा टल्ली पल्ली है वहाँ पर बनारस में, और बनारस में जो है ह्यूज नंबर ऑफ बंगालीज जो है वो रहते थे पहले से ही। हम भी बनारस के हैं, मेरा आश्रम है लक्सा में, आशुतोष हरिदास आश्रम है वो लक्सा में, वो हमारे दादाजी और नानाजी दोनों मिलके वो लोग वहीं के हैं, और हम लोग का पूरा एकदम जन्म से ही हम लोग उस बनारस के ही हैं। तो बनारस में एक ह्यूज बंगाली कल्चर है, और वो बंगाली कल्चर दो तरह से है, एक तो है जो सारे विधवा जो है उनको बनारस में भेज दिया जाता था, और वो बनारस में वो लोग रहती थी और वहीं पर पूजा पाठ करके अंतिम में वो लोग वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी। ह्यूज नंबर ऑफ विडोज, जिसको विधवा बोलते हैं, बाल विधवा, उन लोगों को रख दिया जाता था बंगाल से लाकर
बनारस में। तो क्या आप क्या इसको इस तरह से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं ममता बनर्जी को चाहते हैं कि बनारस आए, और शायद ममता बनर्जी ने भी यह ऐलान किया है कि 2024 का चुनाव वो शायद बनारस से लड़ें, क्या इसमें क्या है ये जो कटाच है, एक तरह का व्यंग है, इसको कैसे देखते हैं आप? वो सब मैं नहीं समझता हूँ, वो दैट इज देयर पर्सनल ये है। उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा से बोला है कि हल्दिया से आप मेरे गवर्नमेंट ने जो हल्दिया से लेकर बनारस तक जो गंगा बनाया है रिवर उसी से आप आ जाइए वहाँ पर। तो दैट मीन्स डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, और वो बहुत ही अच्छा से उनको ये जवाब दिया है। और मैं वो 2024 का बात है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप थोड़ा सा इधर आएंगे, आप तो प्रोफेसर साहब अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये एक्चुअली में देखा जाता है कि कितना प्यार है उन बंगालीज लोगों को जो बंगाल से बाहर हैं 50 साल से 100 साल से, जो जिनका आना जाना लगा रहता, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कट गए हैं, कितना वो बंगाल की राजनीति को कितना देखते हैं दूर से? नहीं हम लोगों को उतना ज़्यादा कितना इंटरेस्ट रहता है? हम लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, बिहार में कितना मेडिकल कॉलेजेस हो रहे हैं, कितना ये जो एलिवेटेड रोड्स हुए हैं पूरा पटना में, ये जो नीतीश सरकार जो बनाए हैं, ये सब जितना ITIs जो खुल रहे हैं, ये जो नया जो मेडिकल कॉलेजेस जो आएंगे, ये सब के बारे में हम लोग सोचते हैं, हम लोग वी डोंट थिंक अबाउट बंगाल। हाँ जैसे कोई उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे सोचते हैं, वो सी टाइप से बंगाल के बारे में सोचते हैं, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द बंगाल पॉलिटिक्स। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ अच्छा होता है तो देश के लिए अच्छा होता है, और उसमें अगर कुछ खराब होता है तो देश का खराब होता है, अदरवाइज वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बंगाली पॉलिटिक्स। अच्छा बंगाली पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जब फ़ोन से बात करते होंगे बाकी अपने रिश्तेदारों से तो थोड़ी तो पॉलिटिक्स की चर्चा होती होगी? नहीं उस ढंग से नहीं होता है, कभी पूछ लेते हैं कि भाई कौन पार्टी आ रहा है, तो सबको ही बोलते हैं कि इस बार नेक टू नेक फाइट है, सबको यही बात बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है नेक टू नेक फाइट है, फोटो फिनिश होगा, इस टाइप का बात कर रहे हैं लोग। तो क्या संदेश है एक बंगाली का जो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, और बंगाल के लिए क्या मैसेज है? नहीं वहाँ पर जो है सो है, जो वहाँ पर हम जानते हैं, हम मेरा गांव है वहाँ पर, शहर भी है सब आसनसोल से लेकर वहाँ तक, हम जानते हैं कि वहाँ पर हिंदी भाषी लाखों की संख्या में है, और वो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मंत्री हैं, वहाँ पर क्रिकेट के कैप्टन बनते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, जितने भी कलकत्ता में 80% जो लोग हैं वो मारवाड़ीज लोगों का वहाँ पर सब मकान और ये सब है, तो इसलिए दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बंगाल। वो जो बंगाल आज जो बड़ा हुआ है उसके पीछे उन्हीं लोगों का योगदान है, जो यहाँ से लोग गए हैं, जो उत्तर प्रदेश से लोग जो गए हैं, जो मध्य प्रदेश से जो लोग गए हैं, जो राजस्थान से लोग गए हैं, 200 साल से वहाँ पढ़े हैं, और वो लोग बंगाल को बनाए हैं। आज अगर बंगाल अगर कोई बोलता है कि हम बहुत अच्छे स्टेट हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आउटसाइडर्स, जिसको वो आउटसाइडर्स आज के हिसाब से बोल रहे हैं, बट हम कभी नहीं बोलते कि वो आउटसाइडर्स हैं, वो वहाँ के कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो बांग्ला भाषा बोलते हैं, मनोज तिवारी वहाँ से इंडिया खेलते हैं, वो सब सारे प्लेयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सब वहाँ पर वो है बंगाल में, और सब इधर ही से गए हैं। सबा करीम भी जो पटना के हैं वो भी वहीं से खेलते हैं, वहीं से खेलते हैं सब। तो मैं एक और आपसे एक लास्ट ये पूछूंगा कि जैसे 90 के दशक से पहले बिहार में भी चुनाव में काफ़ी वायलेंस होता था, अब वो वायलेंस नहीं दिखता है हम लोगों को, लेकिन बंगाल में वायलेंस दिखता है, कैसे आप देखते हैं, क्या कितना दर्द आपको पेन फील होता है, कैसा किस नज़रिए से देखते हैं आप? इसके बारे में हम एक सत्यजीत राय का एक कोट करेंगे, सत्यजीत राय ने एक मूवी में वो डिस्कशंस हो रहा है, वो ये आज का बात नहीं है, ये तो 70s में वो सत्यजीत राय का सिनेमा आया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, बट वो दो कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर आज मर्डर हो गया है, तो बोल रहा है कि वो मर्डर नहीं है, वो पॉलिटिकल मर्डर है, तो वो दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है ए मर्डर इज़ ए मर्डर, वेदर इट इज़ ए पॉलिटिकल मर्डर और सिंपली मर्डर, इस ढंग से एक ह्यूमन बींग्स चला जाता है। तो गांधी का देश में इस ढंग से
और सत्यजीत राय का देश में, रविंद्रनाथ टैगोर का देश में और नजरुल इस्लाम का देश में हमको नहीं लगता है कि इस ढंग का पॉलिटिकल मर्डर होना चाहिए। पॉलिटिकल मर्डर शुड बी डिसिस्टेड एंड पीपल मस्ट वोट। वोट जो है वो सबसे बड़ा वेपन है फॉर डेमोक्रेसी, और उससे जो है एक होप्स एंड एस्पिरेशंस आता है लोगों के बीच में कि हमारे हमको ये दिया जाएगा। और ये दोनों में जो कंपटीशन है कि हम आपको ये देंगे, ये बोल रहा है हम ये देंगे, तो कंपटीशन में लोगों को ही फायदा होता है, यही मेरे को कहना है। तो हम लोग फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। मैं हूँ विमल चुन्नी और प्रोफेसर साहब आप अपना नाम बताएं। इंदिवर मुखर्जी। इंदिवर मुखर्जी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, एमए की को पढ़ाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, और हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे और फिर बंगाली कल्चर्स के बारे में और बात करेंगे पटना से। ठीक है, धन्यवाद।